हाय फ्रेंड, टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर के पहले क्लास के ऊपर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये 2020 का मॉडल पेपर है। ये तो मेरा पहला वीडियो है, कई सारे क्लासेज कराएंगे। अगर आप पूरा पूरा क्लासेज करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिशियन के फर्स्ट ईयर के एग्जाम के टाइम कोई भी दिक्कतें नहीं होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी हम इसमें हल कराएंगे वो हमारे कई सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज मेरा पहला क्लास है और पहला चैप्टर भी है, ठीक है, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। पहले क्लास का पहला चैप्टर जो कि उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, 20 क्वेश्चंस को हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चंस होने वाला है, ठीक है फ्रेंड। और अगले क्लासेज में हम अगले चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि अगर बड़ा चैप्टर होगा तो उस पर हम दो क्लासेज कराएंगे, छोटा चैप्टर होगा तो उसमें हम सिंगल क्लासेज कराएंगे। तो इस प्रकार से हम लगभग 700 से 800 क्वेश्चंस को हल कराने के लिए सोचे हैं। तो आप मेरे चैनल पर हमेशा बरकरार रहें और देखते रहें कि आप इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम यहाँ पे पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ISI मानकों का निर्धारण किस वर्ष हुआ था, ठीक है। ये पूछ रहा है ISI जो होता है, ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। ये ऐसा संस्थान है जहाँ पर कि किसी भी उपकरण को अगर आप बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्विच होता है या फिर LED बल्ब होता है, कुछ भी हो उस पर आप अगर देखेंगे तो ISI मार्क लगा होता है। तो ये जो संस्था है यही ISI मार्क लगाता है, यही प्रमाणित करता है कि ये आपका जो मॉडल है वो अच्छा है, इसको आप मार्केट में उतार सकते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है फ्रेंड, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्रेंड इसमें थोड़ी सी परेशानी हो गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने इसको क्वेश्चंस को तो बनाया था, लेकिन यहाँ पे जो मेरा दूसरा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन तो आ गया है, मगर इसका जो भी ऑप्शन दिया गया है वो कट जा रहा है PDF में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, तो मैं पूरे 20 क्वेश्चन को हल कराऊंगा, ठीक है। तो एक आध दो क्वेश्चन इसमें जो कट जाएंगे उसके लिए हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आगे हम पूरे पूरे 20 क्वेश्चन को हल कराएंगे, मतलब अगर दो क्वेश्चन करते हैं तो हम 22 क्वेश्चन को हल कराएंगे, 22 नंबर तक क्वेश्चन चलेंगे, और अगर तीन क्वेश्चन करते हैं तो 23 नंबर तक चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत चलित उपकरणों का निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य करने वाला कारीगर क्या कहलाता है। जो विद्युत से चलने वाले उपकरणों पर कार्य करता है, कार्यरत होता है, उसका मरम्मत करता है, उसकी देखभाल करता है, उसे हम विद्युत कार कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिशियन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत कार्यशाला में आग बुझाने के लिए क्या उपलब्ध होना चाहिए। विद्युत कार्यशाला जो है उसमें आग बुझाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो वहाँ पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, रेत से भरी बाल्टी की भी आवश्यकता पड़ती है, जल जल की व्यवस्था भी होनी चाहिए उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पे उपयुक्त में सभी सही हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, ISI का पूरा नाम क्या होता है। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था ISI का निर्माण, मतलब उसका स्थापना कब हुआ था। यहाँ पे आपकी ISI का पूरा नाम क्या है, तो ISI का पूरा नाम है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। ISI का जो पूरा नाम होता है वो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसमें लगी आग के लिए शीतल जल की बौछार की जाती है। ये पूछ रहा है शीतल जल, अर्थात जल की जो है ठंडे जल की, ठंडे पानी की बौछार किससे लगी आग को बुझाने के लिए की जाती है। तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा मिट्टी के तेल से लगी आग को बुझाने के लिए नहीं, मेरा तेल खराब हो जाएगा अगर हम पानी से करते हैं। तो कागज से लगी आग को बुझाने के लिए, LPG से लगी आग को बुझाने के लिए, बिजली के तार से लगी आग को बुझाने के लिए। बिजली के तार पर अगर पानी डालेंगे तो आपको झटका लग जाएगा, LPG में अगर पानी डालेंगे तो बुझने वाला तो है नहीं, ज्यादातर रिस्पांस नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम जल का बौछार ज्यादातर हम कागज से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, निम्न में से कौन सी कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि नहीं है। कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि, आप लोगों ने कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि तो पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि। तो ये पूछ रहा है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा जो है कि कृत्रिम श्वसन क्रिया विधि के अंतर्गत नहीं आता है। पहला है सचेत विधि, दूसरा है सैफर विधि, तीसरा है सेल्वेस्टर विधि और चौथा है मुंह से नाक विधि, ठीक है। तो इसमें से जो है कि सचेत विधि जो होता है वो हमारी कृत्रिम श्वसन क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से दुर्घटना के किस कारण की और प्रबंधकों की ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर तीसरा देख सकते हैं, 100 जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सभी श्रेणी की आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये पूछ रहा है कि सभी श्रेणियां जो है ABCD, उन सभी श्रेणियों की आग को ऐसे कौन सा अग्निशामक यंत्र है जिसकी सहायता से हम सभी श्रेणियों की आगों को बुझा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, CTC अग्निशामक यंत्र जो होता है वो सभी श्रेणियों की आग को बुझा सकता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये थोड़ा सा कट गया है फ्रेंड, तो यहाँ पे उसको समझ लीजिएगा। ये लिखा है सूचनात्मक संकेत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे इनकी पृष्ठ नीली होती है, इनकी आकृति वर्गाकार होती है, इनकी पृष्ठभूमि
हरी होती है, इनका आकृति त्रिभुजाकार होती है, तो ऑप्शन नंबर स सही हो जाएगा यहाँ पे, इनकी पृष्ठ हरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर स यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत टावर या पोल पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। ये बोल रहा है कि आप लोगों ने देखा होगा 11,000 वोल्टेज का जो सप्लाई आता है वो पोल कहलाता है, और 1,32,000 का जो सप्लाई आता है उसको टावर कहते हैं। ठीक है, तो उस पर कार्य करते समय किसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तो वहां पे हमें सुरक्षा पेटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी बेल्ट का हमें प्रयोग हमेशा करना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, किसी दुर्घटनात्मक व्यक्ति का डॉक्टर के आगमन से पूर्व दिए जाने वाला उपचार कहलाता है। ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को अगर दुर्घटना हो गई हो, जैसे उसको झटका लग गया हो या गिर गया हो, तो वहाँ पे डॉक्टर को पहुँचने से पहले जो हम कार्य करते हैं उसके साथ, जैसे सेल्वेस्टर विधि अपनाते हैं, सैथर विधि अपनाते हैं, वो जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो होता है प्राथमिक उपचार। ठीक है, उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, नीली पृष्ठ पर सफ़ेद संकेत के रूप में किस चिन्ह में बने होते हैं। ये पूछ रहा है सूचनात्मक, नकारात्मक, निषेधात्मक, चेतावनी, ये सब चीज़ों से पूछ रहा है कि ये कौन सा चिन्ह बना होता है जिसमें नीला पृष्ठभूमि होता है और सफ़ेद संकेत से उसका फिगर बनाया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, निवार का सिंबल जो होता है उसका नीला पृष्ठभूमि होता है और सफ़ेद से उसका संकेत बना होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कृत्रिम श्वसन की निम्न में से कौन सी विधि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है। कृत्रिम श्वसन की कुछ विधियां हैं जो कि तुरंत प्रारंभ की जा सकती है झटका लगने के तुरंत बाद, तो वो कौन सी विधि है, तो वो विधि है लाबोर्ड विधि। ठीक है, लाबोर्ड विधि का हम उपयोग तुरंत कर सकते हैं झटका लगने के तुरंत बाद। किसी व्यक्ति को अगर झटका लगता है या गिर जाता है तो लाबोर्ड विधि का हम उपयोग तुरंत भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, अग्निशामक यंत्र के द्वारा किसका छिड़काव किया जा सकता है। ये पूछ रहा है कि अग्निशामक यंत्रों की सहायता से हम किस किन चीज किन किन चीजों का छिड़काव कर सकते हैं, द्रव का छिड़काव कर सकते हैं, गैस का छिड़काव कर सकते हैं, पाउडर का छिड़काव कर सकते हैं, ये सभी, तो ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा। ये सभी हम द्रव का भी छिड़काव कर सकते हैं, गैस का भी छिड़काव कर सकते हैं, पाउडर का भी छिड़काव कर सकते हैं, तो अग्निशामक यंत्रों की सहायता से हम तीनों चीजों का छिड़काव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कागज से लगी आग को बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये पूछ रहा है कि कागज से लगी आग को बुझाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सबसे अच्छा उपाय क्या है। शीतल जल, ठंडे जल का बौछार करना जो कि कागज से लगी आग को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा शीतल जल का बौछार। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, कृत्रिम श्वसन देने वाले व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति के किस अंग के पास बैठना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बहुत देख सकते हैं, सिर के पास बैठना चाहिए, सिल्वेस्टर विधि को अपनाते समय उसे सिर के पास, सिल्वेस्टर विधि में सिर के पास बैठना चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, सर्दी के मौसम में विद्युत झटके से पीड़ित व्यक्ति को ओढ़ा दें। सर्दी के समय में अगर विद्युत झटके से किसी को झटका लग जाए तो उसे क्या ओढ़ाना चाहिए, तो उसे कंबल ओढ़ा देना चाहिए। ठीक, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सीधी सीधी बात समझ ले, मुंह से लेके पांव तक कंबल ओढ़ा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। फ्यूज तार को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से हमें निम्नलिखित में से क्या कार्य करना चाहिए, तो पहला है उपकरण का स्विच ऑफ करना चाहिए, मेन स्विच ऑफ करना चाहिए, मेन स्विच ऑन करना चाहिए, निम्नलिखित इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, फ्यूज तार को बदलते टाइम हमें मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए, जिससे कि हमें वहाँ पे जो हल्का सा स्पार्किंग होता है, स्पार्किंग नहीं होगा, लगाने के बाद हम उसको ऑन कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण क्या होता है। ये पूछ रहा है विद्युत झटका जो लगता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो विद्युत झटका लगने का मुख्य कारण होता है विद्युत धारा का तीव्र गति होता है, जो कि विद्युत धारा जो तीव्र गति से प्रवाहित होती है उसी की वजह से हमें झटका लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, चेतावनी संकेत का आकार होता है। ये पूछ रहा है चेतावनी संकेतों का आकार होता है वो कैसा होता है, त्रिभुजाकार होता है, वृत्ताकार होता है, आयताकार होता है, वर्गाकार होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर अ सही हो जाएगा, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, चेतावनी संकेतों का आकार जो है कि त्रिभुजाकार होता है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, उद्योग में से किसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य, कोई भी जॉब बना रहे हैं, तो उस टाइम आप किसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, तो वहाँ पे हमको स्वयं की सुरक्षा सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आता है उद्योग की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, और तीसरे नंबर पे आता है उपकरणों की सुरक्षा, जो आप मॉडल बना रहे हैं, जो आप जॉब बना रहे हैं उसकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें फ्रेंडों के पास, जिससे कि आपके फ्रेंड भी इसका मजा ले सके और अपने इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर की तैयारी अच्छे से कर सके। तो फ्रेंड, ये मेरा पहला क्लास था, अगले क्लास में मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, जो कि अगला क्वेश्चन जो होगा वो मेरे इलेक्ट्रिशियन टूल्स के ऊपर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन टूल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, बाय। हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।